हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अपने किचन में लेके आई हूँ मूंग दाल से बनके तैयार होने वाली बहुत ही टेस्टी सी ब्रेकफास्ट की रेसिपी। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक कटोरी मूंग दाल को रात भर के लिए भिगा दिया था। अगर आप चाहें तो आप इसको जब भी बनाना हो ना तो 2 घंटे पहले आप इसको भिगा के रख दीजिए। 2 घंटे में बहुत ही अच्छी तरह से ये खिल जाता है। अब मूंग दाल को हम 2-3 पानी अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। उसके बाद हमें लेना है मिक्सर जार और उसमें हम मूंग दाल को डालेंगे। और इसके बाद हम इसे क्या करेंगे ना, बहुत ही अच्छी तरह से इसको पीस लेंगे। एकदम स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है, इसमें ज़रा सा भी मतलब दानेदार नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने देख रहे होंगे आप, यहाँ पे मूंग दाल में 2-3 चम्मच जो पानी था ना वही पानी है, अलग से मैंने पानी नहीं डाला है। अब इसमें मैंने डाल दिया 4 से 5 हरी मिर्च, 3-4 कलियाँ लहसुन की है, 1 टुकड़ा अदरक का है। अब इसे हम कवर करके अच्छा सा इसका जो है ना पेस्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मूंग दाल बहुत ही अच्छी तरह से पिस गया है। तो अब इसे हम क्या करेंगे, एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ट्रांसफ़र करने के बाद हमें वापस से उसी मिक्सर जार में अब यहाँ पर हम डाल देंगे 1 कटोरी सूजी। सूजी डालने के बाद इसमें मैंने 1/2 कटोरी के करीब पानी डाल दिया है। अगर आप चाहे तो यहाँ पर जो है ना पानी की जगह दही का भी यूज कर सकते हैं। मेरे पास दही नहीं था इसलिए मैंने इसमें पानी डाल के इसको पीस लिया है। तो अगर आपको सूजी पीसने में प्रॉब्लम हो तो 2-3 चम्मच और पानी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सूजी भी पीस लिया है। अब हमें क्या करना है, दोनों चीज़ों को हमें आपस में खूब अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो यहाँ पर मिक्सर जार में थोड़ा सा लगा रह गया था घोल, तो मैंने इसमें 2-3 चम्मच पानी डाल के उसे भी निकाल लिया है। अब दोनों चीज़ों को हम बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने सूजी और मूंग दाल के पेस्ट को बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद अब इसे हमें क्या करना है कि इसे हम कवर करके रेस्ट पे रखेंगे 10 मिनट के लिए, ताकि सूजी जो है ना काफ़ी अच्छी तरह से खिल जाए। 10 मिनट बाद वापस कवर को हम हटाएंगे और इसे मिक्स करेंगे। अगर जो हमारा यहाँ पर बैटर जो है ना थिक होगा तो थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे, अगर थिक नहीं होगा तो हम ऐसे ही इसका नाश्ता बनाएंगे। अब यहाँ पर मैंने डाल दिया है इसमें 1/2 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार हमने डाला है यहाँ पर नमक। अब दोनों चीज़ों को हम बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर मिक्स करेंगे। तो हल्दी नमक को हम मूंग दाल में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, मतलब मूंग दाल के पेस्ट में मिक्स कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्थी सी ब्रेकफास्ट रेसिपी है। एक बार मेरे कहने पर आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं, आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। अब हमें क्या करना है ना, तो यहाँ पर हमारा घोल तो बहुत ही अच्छी तरह से बन के रेडी हो गया है। अब इसमें हमें ऐड करना है 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा। अगर आप चाहे तो यहाँ पर इनो भी यूज कर सकते हैं। बेकिंग सोडा डालने के बाद हम इसे घोल में काफ़ी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और हाँ, इस सोडा को हम तभी इसमें हम डालेंगे जब इस रेसिपी को हमें बनाना हो, नहीं तो हमें पहले से डाल के नहीं रखना है। अब यहाँ पर हल्के हाथों से बेकिंग सोडा को घोल में खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और एक तरफ मैंने एक बर्तन में मतलब इडली वाले बर्तन में रख दिया है पानी गर्म होने के लिए। अब हमें लेना है यहाँ पर, ये देखिए ये मेरा खम्मन बनाने वाला प्लेट है। आप इसको कटोरी में या किसी भी प्लेट थाली में सेट करने के लिए रख सकते हैं। प्लेट में हमने खूब अच्छी तरह से ऑयल ग्रीस कर लिया है। अब उसमें हमें बैटर को डालना है। बैटर हमें इतना डालना है कि बर्तन जो है ना थोड़ा खाली हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने दोनों प्लेट्स में बैटर डाल दिए हैं। आप इसका जो है ना डोसा भी बनाकर खा सकते हैं इस बैटर का। अब ऊपर से हमने डाल दिया थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। अगर आपको लाल मिर्च नहीं डालना है तो आप यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने मिर्च डाल दिया। अब इसके बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पर पानी भी बहुत अच्छी तरह से बॉईल हो रहा है। अब हमें क्या करना है, अब दोनों प्लेट को हमें इसमें डालना है और अच्छी तरह से इसको रख देना है सेट होने के लिए। तो पहला प्लेट डालने के बाद मैंने दूसरा प्लेट भी इसमें मैंने डाल दिया है सेट होने के लिए। अब इसे हमें क्या करना है कि कवर करके इसको हम लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे हम 15 मिनट तक रख देंगे पकने के लिए। 15 मिनट बाद आप जब ढक्कन को हटाएंगे तो देखेंगे
कि हमारा यहाँ पर ये देखिए मूंग दाल का ब्रेकफास्ट बहुत ही अच्छी तरह से पक गया है। अगर आप इसे चेक करना चाहें तो इसे चाकू से भी चेक कर सकते हैं। अब हमें क्या करना, प्लेट को निकाल के बाहर रख देना है थोड़ी देर ठंडा होने के लिए। फिर चाकू से किनारे को मतलब छुड़ा लेंगे, उसके बाद हम इसकी पीसेस करेंगे। तो आप इसमें जो ट्रायंगल शेप, स्क्वायर शेप में जैसा भी शेप देना है आप उस तरह से इसको कट कर लीजिए। यहाँ पर आप देखिए मैं काफ़ी बड़े बड़े पीसेस कर रही हूँ, यानी मैं इसको ट्रायंगल शेप में कट करने वाली हूँ। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्थी सी ब्रेकफास्ट रेसिपी है। आप इसे जो है ना बहुत ही कम समय में बनाकर तैयार कर सकते हैं और काफ़ी हेल्थी भी है। इसे आप जो है ना बना के आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, बच्चे भी बहुत ही चाव से इस रेसिपी को खाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं मूंग दाल से हमने बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी बनाकर तैयार कर ली है। ये देखिए काफ़ी स्पंजी हमारे रेसिपी बनके रेडी हुए हैं। ये देखिए आप इसको इस मतलब कि बिना फ्राई किए हुए, बिना तड़के के आप अपनी किसी भी मनपसंद चटनी के साथ खा सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए बहुत ही आराम से प्लेट में निकल भी जा रहा है, ये प्लेट में ज़रा सा भी नहीं चिपका है और काफ़ी जालीदार हमारे जो है ना रेसिपी बनके रेडी भी हुई है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सारे पीसेस को अच्छी तरह से निकाल लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से हमारा नाश्ता बनके रेडी हो गया है। अगर आप चाहे तो इसको ऐसे ही सर्व कर सकते हैं, या नहीं तो थोड़ा सा नाश्ता को चटपटा बनाने के लिए इसको हम क्या करेंगे ना थोड़ा सा तवे पे सेक लेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, गैस पे रख दिया है ये देखिए एक तवा। इस पे हमें डालना है एक चम्मच के करीब ऑयल। ऑयल डालने के बाद हम इसे क्या करेंगे, तवे पे खूब अच्छी तरह से ऑयल को फैला देंगे। गैस को हम यहाँ पर लो टू मीडियम फ्लेम पर ही रखेंगे। अब जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा इसके बाद हम क्या करेंगे ना, तवे पे जो है यहाँ पर उड़द की दाल जो होती है ना धुली हुई उड़द, उसको डाल देंगे थोड़ा सा। ये दाल काफ़ी क्रंची हो जाता है तो खाने में बहुत टेस्टी लगता है। दाल डालने के बाद हमने इस पे थोड़े से डाल दिए हैं राई के दाने। दाने भी डालने के बाद यहाँ पर मैंने थोड़े से डाले हैं सफ़ेद तिल। इसके बाद मैंने यहाँ पर डाल दिया है कड़ी के पत्ते। कड़ी के पत्ते तो आप ज़रूर डालिए, कड़ी के पत्तों का जो है ना बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। अब इसे हम हल्का हल्का सा इस तरह से देखिए इसको थोड़ा सा मतलब इसका कलर चेंज होने तक थोड़ा सा भून लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक एक करके सारी पीसेस जो है तवे पे अच्छी तरह से फैला देंगे। अगर आप चाहे तो इसको थोड़ा क्रंची भी सेक सकते हैं, नहीं तो बस थोड़ा सा तड़का जो है दोनों साइड लग जाए, बस ऐसे ही दोनों साइड से हम पलट पलट के इसे सेक लेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, बहुत ही कम खर्चे में, बहुत ही कम समय में बनके तैयार भी हो जाता है। तो आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो है इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। रेसिपी ज़रा सी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना तो एकदम ही मत भूलिए, और रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स ग्रुप में भी शेयर करें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर करें कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को ढेर सारा थैंक यू।